छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, बिजली गिरने की संभावना है। आपको बता दें उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से उत्तर मध्य से द्रोणिका छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। सुप्रिया जुड़ गई है। सुप्रिया, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश भी होने वाली है, बिजली भी गिरने की संभावना है। किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? छोटे छोटे एरिया भर जाते हैं और लोगों को किस तरह से सतर्क किया गया है? जी बिल्कुल, आज जो है मानसून के प्रवेश के बाद भी जो है आज उसके बाद बारिश होगी और बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी जो है वो मौसम विभाग ने बताई है और साथ ही अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही राज्य सरकार की तैयारियों की बात करें तो राज्य सरकार ने काफी पहले से जो है बारिश को लेकर, जल भराव की स्थिति को लेकर काफी पहले से तैयारियां की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रायपुर में जल भराव की जो स्थिति थी वो निर्मित हुई थी, जिसे देखते हुए महापौर ने एक्शन भी लेने की बात कही थी और कहा था कि जिस क्षेत्र में जल भराव होगा उस क्षेत्र के कमिश्नर को जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जल भराव के बाद जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, लेकिन हालांकि जल भराव की स्थिति का जायजा लेने महापौर जरूर पहुंचे थे और इस तरीके से जो व्यवस्था है वहां पर जल भराव था उसे निकालने का जो प्रयास है वो किया गया, तो इस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं है वो की गई है। हालांकि बारिश के मौसम में शहर के काफी जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो जाती है, लोगों का आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है अगर लगातार बारिश होती है और ज्यादातर जो है निम्न बस्तियों में ही ये सब जो माहौल है वो देखने को मिलता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और